अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अफाक आलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कम्फर्ट फूड। तो आज हम लोग जानेंगे कैसेट एसी थ्री फेज वायरिंग डायग्राम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारा थ्री फेज कैसेट एसी वायरिंग डायग्राम। तो इस वायरिंग को हम लोग समझेंगे ये किस तरीका से इसमें काम करता है, कंप्रेसर, फैन, मोटर और ये सारा चीज़ जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा थ्री फेज सप्लाई है L1, L2, L3। यहाँ से हमारा सप्लाई आ रहा है और ये जो हम दिखा रहे हैं ये कनेक्टर है। तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ये कॉमन चीज़ होता है जब ये दो तार को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर यूज़ किया जाता है और इसका कोई ख़ास काम नहीं है। इसके आगे चले ये सप्लाई आया यहाँ कॉन्टेक्टर में, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। ये कॉन्टेक्टर है आपका थ्री फेस कॉन्टेक्टर और ये जो आपका सप्लाई है ये L1 रेड वाला और ये ब्लू वाला L2 और ये ऑरेंज वाला, इसको येलो भी मान सकते हैं बट कलर सही नहीं आ रहा है। तो ये आपका येलो वाला जो है ये L3 है। तो ये आपका कॉन्टेक्टर में आके कनेक्ट हो गया सारा और इसमें सप्लाई आ रही है आपकी, ठीक है। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी डायरेक्ट कनेक्टर से होते हुए डायरेक्ट सप्लाई आ रही है A2 में, कॉन्टेक्टर का A2 में आ रही है। ये भी एकदम सप्लाई आ रही है, चारों सप्लाई ऑन है कॉन्टेक्टर में, चारों सप्लाई ऑन है। और इसी तरह यहाँ से हमने ये लुक किया है, हालांकि कमर्शियल वायरिंग में और थ्री फेज वायरिंग में इस तरह से लुक नहीं होता है, सारा पॉइंट टू पॉइंट जॉइंट होता है। बट यहाँ हम दिखाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तार हो जा रहा था, इस वजह से हम शॉर्ट में दिखा दिए। ऐसे इसको हम यहाँ ला के कनेक्ट कर सकते हैं, रेड को यहाँ पे, ब्लू को यहाँ पे, ऑरेंज को यहाँ पे, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिखाना मकसद यही था जो हमने बताया अभी। तो ये सप्लाई वायर टोटल कम्प्लीट यहाँ PCB में आता है, L1, L2, L3 और न्यूट्रल। ये कंप्लीट सप्लाई जिस तरीका से कॉन्टेक्टर में गया उस तरीका से यहाँ PCB में आता है। PCB में कौन से जगह पे आता है, स्कैनर में आता है, ठीक है। अब चले आइए इधर, ये जो आपका कंप्रेसर है स्क्रॉल कंप्रेसर है और इसका जो कनेक्शन है वो कॉन्टेक्टर के तीनों पॉइंट में जाएगा। थ्री फेस कंप्रेसर है ये थ्री फेस का सिंबल भी हमने यहाँ लिख दिया है। और ये आपका T1, T2 और T3, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे L1, L2, L3 तो इस तरह से कंप्रेसर में है, तो जैसे यहाँ है L1 तो L1 में आएगा, L2 में आएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे T1, T2, T3 है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि L1 में हमने T3 को डाला है और L2 में आपका T2 आया है और L3 में T1 आया है। तो ठीक उसी तरीका से जिस तरीका से यहाँ आपका रहेगा, अगर L1, L2, L3 है तो L1, L1, L2, L3 में डालेंगे, T1, T2, T3 है तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, माने T3 के जगह में L1 के जगह में T3 आ जाएगा और T2 के जगह में T2 आएगा और T3 के जगह में T1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्री फेज का कंप्रेसर का कनेक्शन हुआ इधर और यहीं से एक फेज हम लोग लेंगे कॉन्टेक्टर के दूसरे हिस्से से, दूसरे साइड से यहाँ से एक फेज लेंगे और ये फैन मोटर के लिए होगा हमारा। ये आपका फैन कैपेसिटर यहाँ पे दिखा रहे हैं शॉर्ट में लिखा हुआ रनिंग कैपेसिटर और यहीं से एक आपका रनिंग वायर निकल रहा है मोटर का जो एक कैपेसिटर में जाएगा और ये स्टार्टिंग वायर है, ठीक है। और ये बॉडी अर्थिंग है, ये भी बॉडी अर्थिंग है और यहाँ से एक हमने न्यूट्रल लिया है, ये इसका फैन मोटर का कंडेंसर फैन मोटर के लिए न्यूट्रल को हमने लिया है यहाँ से। और ये जो हमने थ्री फेज यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई लिया है ये PCB में, तो PCB में जो दूसरा, उसमें तो बहुत सारा फंक्शन होता है, उसमें एक रिले भी होता है और PCB का बहुत सारा वर्क रहता है अपना अपना हिसाब से। तो ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर जो है ये स्कैन करके बतलाता है अगर आपका कोई भी फेज, तीनों में से कोई एक फेज नहीं आ रहा है तो ये स्कैन करके बतला देगा कि आपका एक फेज कटा हुआ है। तो इस वजह से आपको मालूम हो जाएगा, यहाँ पर देखने से आपको पता चल जाएगा कि एक फेज हमारा नहीं आ रहा, ये स्कैन करके स्कैनर बतला देगा आपको कि एक फेज नहीं आ रहा है। अब आ जाइए इधर, ये न्यूट्रल डायरेक्ट सप्लाई आया है A2 में, यहाँ से एक हमने फैन को लिया है और एक न्यूट्रल हमने लिया है यहाँ पर,
ये देखिए यहाँ से सीधा ये आ रहा है आपका एलपी में, फिर एलपी स्विच से होता हुआ आ रहा है एचपी में, एचपी स्विच से होता हुआ आ रहा है सीधा यहाँ S9 में, पीसीबी में जो रिले होता है वहाँ पे आ रहा है। ये न्यूट्रल है टोटल, यहाँ से कंप्लीट ये न्यूट्रल एलपी से एचपी से होता हुआ सीधा यहाँ पीसीबी के ये रिले में आ रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल यहाँ आके अभी होल्ड है और फिर यही न्यूट्रल आपका यहाँ से चला रहा है इनसाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल हम एलपी और एचपी से होते हुए लिए हैं, तो जैसे ये पीसीबी ऑन होता है तब ये पीसीबी ऑन कैसे होगा, तो ये जो थ्री फेज है, थ्री फेज में कोई एक फेज से इसको हमने पीसीबी को कनेक्शन दिया है और वो इंटरनल कनेक्शन रहता है, वो देना नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई एक फेज से दिया हुआ रहता है। तो ये पीसीबी ऑन होता है, जैसे ही ये पीसीबी ऑन होता है तो ये जो न्यूट्रल हम लोगों ने यहाँ से लिया था, ये न्यूट्रल ये यहाँ से S9 से होके S3 में जाता है, ये रिले ऑन होता है तो S3 में गया ये न्यूट्रल, फिर ये न्यूट्रल सीधा चला आया अंदर इंडोर का पीसीबी, इंडोर का पीसीबी में आता है तो यहाँ पे जो ये रिले का इसका इंटरनल कनेक्शन है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बताया कि ये फेज न्यूट्रल तो मिल जा रहा है यहाँ से भी कहीं से भी पीसीबी मिल रहा होगा और उसी तरह फेज भी इंटरनल मिल रहा है, तो यहाँ पे उसी तरह से ये न्यूट्रल जो है और इसका जो इंटरनल कनेक्शन है रिले के साथ, तो जैसे ये न्यूट्रल आता है तो ये फेज तो डायरेक्ट इसमें ऑलरेडी पहले से रिले में दिया हुआ है, तो ये न्यूट्रल आया, इसका इंटरनल वर्क है पीसीबी का माइक्रो प्रोसेसर का, ये अपना काम करता है, मास्टर आईसी इसको ऑन करता है, जैसे ये न्यूट्रल आता है मास्टर आईसी इसको सप्लाई ऑन करता है, तो ये जो फेज है यहाँ से होता हुआ सीधा A1 में, इसको हम लोग कंप्रेसर पावर बोलते हैं, CP बोलते हैं इस वायर को। तो जैसे ये कंप्रेसर CP पावर आया इसमें A1 में, ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो गया, ऑलरेडी हम लोग न्यूट्रल यहाँ पहले से लिए हुए हैं, ये CP कनेक्शन यहाँ पहुँचा A1 में तो ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ, तो ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन हुआ तो जिसके चलते ये कंप्रेसर भी ऑन हो गया और कंडेंसर फैन मोटर भी ऑन हो गया। तो ये तो हो गया इधर का, अब इधर इंडोर में चले आइए, तो इंडोर में ये रिले का आप समझ ही गए होंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये न्यूट्रल आया यहाँ A2 से डायरेक्ट LP में, LP से होता हुआ HP में, HP से होता हुआ S9 रिले के पॉइंट में, यहाँ से ये PCB ऑन होता है तो ये रिले ऑन होता है, ऑन होने के कारण ये पॉइंट ऑफ जो था पहले अब ऑन हो गया, ऑन हो गया तो ये न्यूट्रल जो यहाँ होल्ड था ये आगे ऑन होके पढ़ा, ये अंदर में आया, अंदर वाला PCB में आने के बाद ये रिले ऑन हुआ, ये रिले जैसे ऑन होता है 3 मिनट के बाद ये मास्टर ऐसे सप्लाई देता है ये रिले को, तो यहाँ से ये फेज जाता है कंप्रेसर पावर A1 में, तो कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है जिसके चलते कंप्रेसर और फैन मोटर ऑन होता है। अब इधर चले आइए, ये आ रहा है आपका 220 सप्लाई, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये बॉडी अर्थिंग है, ये भी PCB बॉक्स है, ये सारा इंडोर का PCB बॉक्स है, माइक्रो प्रोसेसर है, PCB है, तो इसमें ये अपना सप्लाई हो गया, ये चला गया रिले को और ये आ गया फैन में, लो मीडियम हाई, और यहाँ पे एक छोटा छोटा ब्लैक कलर का 3 रिले होता है, ऐसे तो बहुत सारा रिले होता है, पंप मोटर का भी होता है, तो वो सब दिखाना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये लो मीडियम हाई स्पीड है, अब ये रिमोट से आप जिसमें चाहें उसमें रखेंगे, हाई में रखना चाहते हैं तो ये हाई में कॉन्टेक्ट देगा, मीडियम में रखना चाहते हैं तो मीडियम में कॉन्टेक्ट देगा, लो में रखना चाहते हैं तो लो में कॉन्टेक्ट देगा। तो ये तो हो गया फेज, इधर से इसको बारी बारी से मिल रहा है रिमोट द्वारा रिले के थ्रू, और यहाँ से ये न्यूट्रल इसको इधर मिल गया है रनिंग पॉइंट में, और ये स्टार्टिंग है, ये बॉडी अर्थिंग है। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये थ्री फेज इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम जो है, तो यहाँ से भी हम लोग इसको सप्लाई में ले सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, दिखाया है, इसको हम अलग अलग करके इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ऐसा भी सप्लाई आप इंडोर से भी इसको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आउटडोर से ही सप्लाई आएगा, मान लीजिए आउटडोर से इंडोर जो वायर हम लोग लेके जाते हैं, मान लीजिए वायर खराब हो गया, उसमें दो ही वायर अच्छा है बाकी सब खराब हो गया, तो कैसे होगा, फिर ऑन नहीं होगा क्या, इसीलिए उसको सप्लाई इंडोर से भी दिया जा सकता है, इंडोर से ये सप्लाई इसीलिए हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये सप्लाई को हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है, यहाँ से भी सप्लाई ले सकते हैं और इंडोर से भी सप्लाई ले सकते हैं, बस इसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है सप्लाई इंडोर से कहीं से भी ले सकते हैं 220 सप्लाई, और यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं ये LP HP स्विच जो है ये लो प्रेशर स्विच है और ये हाई प्रेशर स्विच है, इसका काम है जब इसमें गैस सिस्टम में कम रहेगा, ये कहाँ पे रहता है ये भी बता देते हैं हम आपको, ये सक्शन लाइन में रहता है, रिटर्न जो आपका गैस जाता है कूलिंग कॉइल से होते हैं वो वापस रिटर्न, तो ये सक्शन लाइन में जुड़ा हुआ रहता है,
एलपी स्विच, लो प्रेशर स्विच। तो ये स्विच में जैसे ही गैस सिस्टम में कम रहेगा तो ये स्विच क्या करेगा, पावर को काट देगा। जब ये पावर कट जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है, जब ये पावर कट गया तो यहाँ न्यूट्रल नहीं आएगा, यहाँ भी न्यूट्रल नहीं आएगा, यहाँ भी न्यूट्रल। जब यहाँ न्यूट्रल आएगा ही नहीं तो ये सप्लाई अंदर न्यूट्रल जाएगा, जब अंदर न्यूट्रल सप्लाई जाएगा नहीं तो ये जो यहाँ पर पीसीबी का इंटरनल सिस्टम है मास्टर आईसी के थ्रू, तो ये पावर सप्लाई इसको देगा नहीं 3 मिनट के बाद, तो फेज आएगा नहीं तो ये सिस्टम ऑन होगा नहीं। उसी तरह एचपी का भी है हाई प्रेशर स्विच, इसमें क्या है कि अगर आपका गैस ज़्यादा है सिस्टम में तो ये कट काट देगा पावर को, इसीलिए हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, सिंबल दिए हैं। और अगर कंडेंसर चौक है, कंडेंसर जाम है, बुरी तरीके से चौक है, तो भी ये हाई प्रेशर होकर के ये सिस्टम को ऑफ करा देगा, यहाँ से पावर कट जाएगा। अगर फैन मोटर ख़राब है या फैन ब्लेड लूज है या फैन ब्लेड टूटा हुआ है तो ये भी यहाँ से पावर काट देगा। इसका काम यही है हाई प्रेशर स्विच का। और हाँ, तो ये जो स्कैनर में जो 3 फेज सप्लाई डायरेक्ट आ रहा है, जब ये कोई एक फेज कट जाएगा तो स्कैनर तो स्कैन करके बता देगा आपको कि एक फेज आपका कटा हुआ है। लेकिन स्क्रॉल कंप्रेसर में क्या होता है कि जब पावर कोई एक सप्लाई 3 फेज है, इसमें से कोई भी एक सप्लाई अगर नहीं आ रहा है आपका, तो ये कंप्रेसर जो है उल्टा घूमने लगता है, इसका साउंड चेंज हो जाएगा। और आप जब देखेंगे सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन को छू करके तो कुछ बताएगा ही नहीं, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए। ऐसे तो स्कैनर जिसमें नहीं होगा उसमें आपको उससे पता चल जाएगा, लेकिन जिसमें स्कैनर है तो वो यहाँ से ही मालूम हो जाएगा। और कंप्रेसर का साउंड चेंज होगा, बहुत ज़्यादा साउंड होगा, गर्र इस टाइप से साउंड होगा एकदम। और सक्शन और डिस्चार्ज को छूएगा तो आपको कुछ नॉर्मल कंडीशन में लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कंप्रेसर, आपको ऐसा डाउट होगा कि जैसे लगे इसका पंपिंग फेल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा तो फेस कटा हुआ है, इस तरीके से भी स्कैनर तो शो कर देगा, लेकिन जिस मशीन में स्कैनर नहीं होता है तो उस मशीन में हमको यहीं से समझना पड़ता है कि यहीं इसमें से कोई एक फेस कटा हुआ है। या इसमें स्क्रॉल कंप्रेसर में ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोग L1 में आप T1 में आपका T3 में आपका मान लीजिए न्यूट्रल से तीनों फेस को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो T3 में मान लीजिए 240 आ रहा है तो उसके बजाय आपका इसमें 210 आ रहा है, और इसमें कुल मिला के इसमें आना चाहिए 240, इसमें आना चाहिए 230, 220। अब ठीक इसी तरह इसमें अगर आ जाएगा कम और इसमें आ जाएगा ज़्यादा, मान इसमें आ जाएगा 220 और इसमें आ जाएगा 240, तो ऐसा भी हमने इसको वॉच करके देखा है कि इसमें कंप्रेसर चलता नहीं है, वर्क नहीं करता है, उसी तरह का साउंड करता है। तो फिर हम फेस को हम लोग पलटते हैं, सही ढंग से इसमें जो रहना चाहिए वो देते हैं। मान लीजिए T3 में 240 रहना चाहिए, T2 में 230 रहना चाहिए, और T1 में 210 या 200 या 220 भी चलेगा, ये दो में चलेगा। इसमें अगर कम हो जाने से, ऐसा हमने वॉच करके देखा है, तो ऐसा भी होता है, ये साइड पे आप खुद भी देख सकते हैं। तो ऐसा स्क्रॉल कंप्रेसर में होता है, ये उल्टा घूमने लगता है और वर्क नहीं करता, नॉर्मल कंडीशन में इसका डिस्चार्ज सेक्शन बतलाएगा। तो ये इसको भी आप लोग इसको वॉच कीजिएगा, देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।